पूर्वोत्तर भारत में हिंदी विषयक प्रथम भाग के इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिचय के साथ संदर्भित क्षेत्रों में बहुभाषिकता के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को रेखांकित करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है, विषय विस्तृत होने के कारण पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की दशा एवं दिशामूलक ये चर्चा निदर्शनात्मक मात्र है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार मिस शब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। पूर्वोत्तर भारत प्रकृति का अनुपम वरदान है। ये 8 राज्यों का समूह है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इनमें सिक्किम को छोड़कर अन्य 7 राज्यों को 7 बहने यानी 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। पहले ये 7 राज्य असम का हिस्सा थे। सन 1960-70 के दशक के पश्चात इनका अलग अलग राज्यों के रूप में गठन कर दिया गया। पूर्वोत्तर भारत विभिन्न जनजातियों, संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों और प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न क्षेत्र है। विदित है कि पर्वतमालाओं, झरनों, नदियों, घने वन, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की दृष्टि से भारत का ये क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। आइए पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। ये प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है, घाटी का मैदानी इलाका तथा पहाड़ी इलाका। घाटी का मैदानी इलाका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और बराक नदी घाटी में तथा पहाड़ी इलाका कार्बी आंगलोंग और उत्तर कछार में विभाजित किया जाता है। रामायण और महाभारत में इस क्षेत्र के 2 नाम मिलते हैं, प्रागज्योतिषपुर और कामरूप। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत को जोड़ने का प्रधान सेतु था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हुएन सांग के समय कामरूप पर भास्कर वर्मन का शासन था। आज भी कामरूप नाम का एक जिला असम में विद्यमान है। असम चाय बागानों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे अधिक खेती चावल की होती है। पान सुपारी उगाने, जूट उत्पादन, तेल साफ करने, रासायनिक पदार्थ बनाने के साथ साथ बेंत और बांस का सामान, पीतल के बर्तन बनाने संबंधी कुटीर उद्योगों के लिए भी ये विख्यात है। रेशम से तैयार मूंगा सिल्क की साड़ियाँ यहाँ की विशेष पहचान है। बिहू असम का प्राचीन और महत्वपूर्ण उत्सव है। यहाँ 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहाग बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में, काती कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य में, माघ यानी जनवरी के मध्य में। इनमें सबसे आकर्षक बसंत ऋतु का उत्सव बोहाग बिहू या रंगाली बिहू है। इस समय फसल की कटाई होती है। इस बिहू से असम के कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। असम में प्रचलित अम्बुवाची उत्सव अथवा साधा बरत एक विराट लोकोत्सव है, जो कामाख्या मंदिर के प्रांगण में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। भारत में यहाँ सर्वप्रथम सूर्योदय होने के कारण यहाँ का पूरा अंचल ही अरुण या लाल दिखाई देता है। संभवतः इसीलिए इस प्रदेश का नाम अरुणाचल पड़ा होगा। सूर्योदय के समय पर्वत के अरुण अर्थात लाल दिखाई देने के कारण भी इसका नाम अरुणाचल माना जाता है। इस प्रदेश की ऊंची नीची धरातली बनावट, खराब जलवायु, कदम कदम पर बदलती हुई बोलियां तथा मूल निवासी समुदायों का आगंतुकों के प्रति अविश्वास आदि ने कुछ समय तक इस क्षेत्र को देश के मुख्य धारा से काट कर रखा था।
अरुणाचल में तीन संस्कृतियों का सम्मिलन है। पहली श्रेणी में महायानी और हीनयानी बौद्ध थाईलैंड और बर्मा वर्तमान के म्यांमार से यहाँ आए। दूसरी श्रेणी में प्रकृति पूजक हैं, जो दोन्नी पोलो अर्थात सूर्य चंद्र और पृथ्वी आदि को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। तीसरी श्रेणी की जनजातियां शिवोपासक हैं। विभिन्न जनजातियों से संपन्न अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है। मेघालय सुंदर पहाड़ियों और घाटियों से घिरा राज्य है। यहाँ की खासी, गारो, जयंतिया जनजातियों की लोक संस्कृति में मौखिक परंपरा से प्राप्त लोक साहित्य, आदिम समाज की कलाएं, नृत्य और संगीत शामिल हैं। गारो तिब्बती चीनी परिवार से और खासी ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। भले ही इनमें कोई भाषिक व सांस्कृतिक एकता नहीं है, किंतु दोनों जनजातियों में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जो इनकी महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान है। मेघों से आच्छादित रहने वाले यहाँ के चेरापूंजी क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। फसल बुआई के समय किया जाने वाला इनका शारदेप नृत्य और फसल अच्छी होने पर किया जाने वाला शाद मस्ती नृत्य उत्साह और उमंग का संचारदायक है। यहाँ की स्त्रियां 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक श्रम और कर्म में रत रहती हैं। अथक परिश्रम में विश्वास करने वाली ये स्त्रियां मन और शरीर से सबल, फुर्तीली और संघर्षों के समक्ष हार न मानने वाली होती हैं। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है ठंडे इलाके में रहने वाले लोग। पहले मिजोरम बृहत्तर असम का एक जिला मात्र था। उस समय इसका नाम लुशाई पर्वतीय जिला था। पहाड़ी उतार चढ़ाव और शैल शिखरों से घिरा मिजोरम प्रदेश सघन वनों, नदियों, झरनों, झीलों और गुफाओं के अलौकिक सौंदर्य से मंडित है। मिजो जनजाति के 5 जाति समूह लुशेई, राल्ते, हुमार, पैहते और पोई नाम से जाने जाते हैं। यहाँ लखेर, नेपाली, रियांग और चकमा भी रहते हैं। रविवार को यहाँ के लोग कोई और काम ना करके अपना समय गिरिजाघर में बिताते हैं। धान, मक्का, ईख, अदरक, मिर्च यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके साथ साथ संतरा, केला, पपीता, अनन्नास, नाशपाती, आलू बुखारा आदि फसलें भी होती हैं। हथकरघा और दस्तकारी में इन्हें परंपरागत रूप से रुचि है। तथापि नई प्रौद्योगिकी से खुद को जोड़ना इन्हें अच्छा लग रहा है। केरल के बाद ये दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य है। यहाँ तीन कुत यानी त्योहार चपचार कुत, मिम कुत, थालफवांग या पावल कुत के साथ साथ क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चपचार कुत को वसंतोत्सव, मिम कुत को शरदोत्सव और पावल कुत को फसल का कटाई उत्सव भी कहा जा सकता है। मिजोरम का चेरो नृत्य दर्शकों के लिए नयनाभिराम और प्रसन्नतादायक होता है। मणिपुर को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में इसका वर्णन है। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने वनवास काल के लगभग 12 वर्ष यहीं व्यतीत किए। मणिपुर भी असम की तरह मैदानी और पहाड़ी इलाके में विभाजित है। इसके मैदानी इलाके में मीते और पंगाल रहते हैं।
पहाड़ी इलाके में 28 से भी अधिक जनजातियों के लोग रहते हैं। इनमें कुकी और नागा लोग प्रायः पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। इनके घर बांस और सन के बने होते हैं। 28 से भी अधिक जनजातियों के ये लोग झूम खेती करते हैं। उद्योग धंधों के हिसाब से मणिपुर राज्य निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के निवासी कुटीर उद्योग धंधों के अंतर्गत चमड़े, बांस और बेंत के सुंदर सुंदर सामान खूब बनाते हैं। इस प्रदेश में रेशम का भी खूब उत्पादन होता है। मणिपुर में मार्शल आर्ट का विशेष महत्व है। विविध समारोहों में इसकी प्रस्तुति भी दी जाती है। रास नृत्य मणिपुरी समाज का सांस्कृतिक नृत्य है। यह विश्व विख्यात नृत्य राधा और कृष्ण के मिथक पर आधारित है। याओसंग यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। नृत्य और संगीत पर आधारित एक सप्ताह तक चलने वाला ये त्योहार अत्यंत मनोहारी होता है। नागालैंड सन 1961 तक असम का ही हिस्सा था। सदाबहार वन संपदा से संपन्न नाना प्रजातियों के पेड़ पौधे, लताएं, फल फूल आदि, पहाड़ियों से निकलते झरनों का मधुर संगीत और दुर्गम भागों से होते हुए समतल क्षेत्रों में बहती नदियों की कल कल धाराएं यहाँ के प्राकृतिक दृश्य को मनमोहक बनाती हैं। यहाँ 16 जनजातियाँ हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें नागों का वंशज मानते हैं तो कुछ इनके नग्न अथवा अर्धनग्न रहन सहन के कारण इन्हें नग अर्थात नाग या पर्वत के वासी कहते हैं। इन सभी जनजातियों की वेशभूषा, परंपरा, त्योहार तथा भाषाएं अलग अलग होने पर भी इनकी संस्कृति तथा सभ्यता समान है। मुख्यतः झूम खेती करने वाली ये जनजातियां शक्तिशाली रही हैं। नागालैंड को उत्सवों की धरती कहा जाता है और यहाँ के हॉर्नबिल अर्थात धनेश पक्षी फेस्टिवल को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस उत्सव में सभी नागा जनजातियों में पाई जाने वाली विविधताओं, वैभवशाली परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का सामूहिक सौंदर्य दिखाई देता है। त्रिपुरा राज्य का प्राचीन नाम किरात राज्य है। इसका उल्लेख महाभारत, पुराणों, अशोक के शिलालेखों आदि में मिलता है। मुख्यतया त्रिपुरी, रियांग और जमातिया के अतिरिक्त यहाँ 16 अन्य जनजातियों के लोग रहते हैं। त्रिपुरा में गैर आदिवासी संस्कृतियों में बंगला संस्कृति प्रधान है। चट्टानों पर उत्कीर्ण शिव की असंख्य मूर्तियां त्रिपुरा की विशेषता है। त्रिपुरा प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है। यहाँ की जलवायु गर्म तथा नम होने के कारण यहाँ घनघोर वर्षा होती है। इसके पूर्व क्षेत्र में नदियों का उपजाऊ मैदान है। इस प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनसे लकड़ी, बांस तथा अन्य पदार्थ खूब मिलते हैं। औषधीय वनस्पतियों का यहाँ भंडार है। संग्रह यहाँ का लोकप्रिय पर्व है।
हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम राज्य भी पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ लेपचा, भूटिया और नेपाली निवास करते हैं। लेपचा यहाँ के मूल निवासी हैं। वे सिक्किम को नी माल एल यानी स्वर्ग कहते हैं। तिब्बत और भूटान से आकर यहाँ बसे लोगों को भूटिया कहा जाता है। नेपाली में सम्मिलित बहुत सी जातियों के लोग सिक्किम में रहते हैं। यद्यपि इन तीनों प्रकार के निवासियों की अपनी अपनी परंपराएं, रहन सहन, खान पान, त्योहार और आचार विचार हैं, तथापि इनमें परस्पर कोई भेदभाव नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय इस राज्य के लोग मुख्य रूप से चावल, मक्का, आलू, सेब, अनानास, इलायची आदि की खेती करते हैं। यहाँ के खनिज पदार्थों में तांबा, सीसा, कोयला, जस्ता आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। लेपचा जनजाति के लोग प्रायः जहाँ प्रकृति पूजक होते हैं, वहीं भूटिया बौद्ध धर्म के अनुयायी। सिंगी छाम और याक छाम सिक्किम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन आठ राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सन 1971 में पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन केंद्रीय संस्था के रूप में किया गया था। आगे चलकर 9 अगस्त 1995 को नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय का गठन सितंबर सन 2001 में किया गया। अब यह मंत्रालय इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का कार्य देखता है। यह क्षेत्र हिमाचल के दक्षिण व उत्तर और ब्रह्मपुत्र के पूर्व तथा पश्चिम की तमाम नस्लों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। चीन से भारत तक सबसे अधिक व्यवहित सांस्कृतिक राजमार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। देखा जाए तो इस क्षेत्र ने एक ओर यदि प्रहरी की भूमिका निभाई है तो दूसरी ओर पूर्वी एशिया के देशों को भारत से जोड़ने के लिए सेतु का भी कार्य किया है। इसके अलावा प्राकृतिक वैभव में तो यह क्षेत्र विश्व का अद्वितीय क्षेत्र है ही, सांस्कृतिक व भाषाई विविधता में भी ये बेजोड़ है। हिंदी एक ऐसी सरल भाषा है जो हर व्यक्ति के मन में बसा हुआ है। पूर्वांचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें भिन्न भिन्न जनजातियों का एक प्रदेश भी कहा जा सकता है। कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को अपनाना जरूरी है। सभी वर्ग महसूस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि भारत की एकता और सबलता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता है और हम सब मिलकर इस प्यारी सी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात प्रमोट करने के लिए काम करें तो एक दिन हिंदी पूरे भारतवर्ष की एकता के लिए काम करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्राचीन इतिहास रामायण एवं महाभारत के काल से जुड़ा है। महाभारत की कथा से लगता है कि ईसा के पूर्व यहाँ निश्चय ही कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा। महाभारत और रामायण में इस क्षेत्र के दो नाम मिलते हैं, प्राग ज्योतिषपुर तथा कामरूप। पूर्वोत्तर के राज्य प्रकृति के अद्भुत वरदान से संपन्न है। जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक संपन्न इलाकों में से एक है। इस इलाके में 51 प्रकार के वन हैं, जिनको मोटे तौर पर 6 बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। वनों के ये वर्ग इस प्रकार हैं। पहला,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिनकी पत्तियां पतझड़ में झड़ जाती हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय बरसाती सदाबहार वन। चौथा, उप उष्णकटिबंधीय वन। पांचवा, शुष्क वन तथा छठा, अल्पाइन वन। संसार में पुष्पित होने वाले पौधों की लगभग 80,000 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इनमें से 15,000 प्रजातियां विभिन्न राज्यों में पाई जाती हैं। सबसे अधिक फूलों वाले पौधों की प्रजातियां लगभग 5,000 अकेले अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्थान सिक्किम का है, जहां लगभग 4,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के बोटेनिकल सर्वे विभाग द्वारा जारी पुस्तिका रेड डेटा बुक के अनुसार हमारे देश के लगभग 10% फूलों वाले पौधों की प्रजातियां विलुप्त तो होने के कगार पर हैं। खतरे में पड़े कुल 1500 पुष्पीय पादपों में से लगभग 800 उत्तर पूर्व भारत में है। प्राकृतिक वैभव के क्षेत्र में तो ये क्षेत्र विश्व का अद्वितीय क्षेत्र है ही, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता में भी इसका एक कीर्तिमान है। ये समझ लें कि इसके करीब 2,62,000 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 200 नस्ली समूह के लोग निवास करते हैं और इनकी लगभग इतनी ही भाषाएं भी हैं। इन 8 राज्यों में आदिवासियों के एक साथ जितने समूह मिलते हैं उतने अन्यत्र नहीं मिलते। इनके अलावा तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल से आए अनेक लोग भी यहां रहते हैं, जो अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर इतिहास के विभिन्न कालखंडों में यहां आए हैं। इस क्षेत्र के लोग सरल और परिश्रमी होने के साथ साथ पूरे देश के औसत जनसमुदाय के मुकाबले कहीं अधिक शिक्षित, जागरूक और प्रगतिशील हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा की दर 68.5% है, जबकि देश के बाकी हिस्सों की शिक्षा की दर 61.5% ही है। धार्मिक दृष्टि से भी पूर्वोत्तर भारत एकाधिक धर्मों का संगम स्थल है। मुख्य रूप से यहां के लोग आदिम धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। साथियों, अब हम आपको लिए चलते हैं एक परिचर्चा में, जहां इस समय पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार पर एक परिचर्चा चल रही है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार, और इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर शर्मा। प्रोफेसर शर्मा स्वयं भी पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार से जुड़ी रही हैं। मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर शर्मा से कि वे हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करें। प्रोफेसर शर्मा। धन्यवाद डॉक्टर शैकिया। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार जानने समझने से पूर्व ये जान लेना युक्तिसंगत होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाएं 3 भाषा परिवारों से संबंधित हैं। ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार या आग्नेय परिवार, भारतीय आर्य परिवार, तिब्बती बर्मी परिवार। जी, एकदम सही कहा आपने। इस चर्चा के क्रम में यहाँ ये शेयर करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की प्रमुख भाषा खासी है, जो मुख्य रूप से मेघालय में बोली जाती है। भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं में असमिया, बंगला, नेपाली और विष्णुप्रिया मणिपुरी हैं। शेष भाषाएं यानी जनजातियों की भाषाएं तिब्बती बर्मी परिवार के अंतर्गत आती हैं। यहाँ एक बात और वो ये कि हालांकि इन भाषाओं की संख्या शताधिक है, तथापि यहाँ राज्यवार मुख्य भाषाओं बोलियों की स्थिति कुछ इस प्रकार कही जा सकती है। असम, असमिया, बोडो, बंगला, कार्बी, कछारी, राभा, अरुणाचल, मेनपा आदि, गालेंग, मिनियोंग, मिस्मी, वांचो, नागालैंड, चांग, आओ, सेमा, लोथा, बंगला, असमिया, अंगामी, मणिपुर, मणिपुरी, तांगखुल, लुशाई, कबुई, माओ आदि, मिजोरम, लुशाई,
कुकी, चकमा, बंगला असमिया, मेघालय, खासी, जयंतिया, गारो, बंगला असमिया, त्रिपुरा, बंगला, कॉकबरक और मणिपुरी, सिक्किम, लेपचा, भूटिया, नेपाली। बिल्कुल, आप लोगों ने इस चर्चा में एक नई गति ला दी। मित्रों, उल्लेखनीय है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित जिन 5 भाषाओं को शामिल किया गया है वे हैं असमिया, बंगला, बोडो, मणिपुरी और नेपाली। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हों, इतनी सारी बोलियां हों, कबीलाई संस्कृति होने के कारण परस्पर एक दूसरे की भाषाएं न समझ पाने की विवशता हो, वहां सब एक दूसरे से किस भाषा में संपर्क करते होंगे? हिंदी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पूर्वोत्तर भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। पूर्वोत्तर भारत में जितनी जनजातियां हैं उतनी ही भाषाएं और बोलियों के रूप विद्यमान हैं। ऐसे में राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी हिंदी पूर्वोत्तर भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। इसका मूल कारण वहां की बहुभाषिकता है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का सतत प्रयोग इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हाँ, पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रति उदासीनता नहीं है। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि नहीं, केवल एक तरह से क्षेत्रीय स्थितियों को ही देखा जाए तभी हिंदी की सही स्थिति का पता चलता है, परंतु पूर्वोत्तर जन सामान्य सामान्य रूप से अपनी लोक भाषाएँ और उसके बाद संपर्क भाषा, मेरे ख्याल है कि वहाँ किसी अन्य भाषा की ऐसी उपस्थिति दिखाई नहीं देती जो कि भाषाओं में तोड़ का काम करती हो, बल्कि हिंदी एक तरह से जोड़ का काम करती है। और पूर्वोत्तर में संपर्क भाषा के निर्माण की ये कहानी आज भी एक तरह से जो प्रयोगात्मक रूप से विकसित हो रही है उसे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नए विन्यास, उसका नई शाब्दिक अनुरचना बराबर इस ओर इंगित करती है कि हाँ, हिंदी की स्वीकृति अपने ढंग से वहाँ है। प्राचीन काल से ही धार्मिक स्थलों पर संतों का समागम, व्यापार व सेना में भर्ती आदि ऐसे घटक रहे हैं जिनसे हिंदी के प्रचार की भूमिका बनी। असम में श्रीमंत शंकरदेव, माधव देव और उनके अनुयायी जिस ब्रजबोली अथवा ब्रजावली भाषा में लेखन कर रहे थे वो ब्रज मैथिली असमिया से ही मिश्रित भाषा थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय एकता के उद्देश्य से हिंदी के प्रचार प्रसार को आवश्यक मान भारतीय मनीषियों ने इसके लिए अथक प्रयास किए। आइए जानते हैं इस विषयक कतिपय महत्वपूर्ण प्रयत्न। सन 1921 में महात्मा गांधी जी का असम में आगमन हुआ। उनकी दृष्टि में राष्ट्र प्रेम और हिंदी प्रेम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने असम में हिंदी प्रचार का शंखनाद किया। जब श्री पीताम्बर देव गोस्वामी से उन्हें पता चला कि यहाँ हिंदी सिखाने वालों की कमी है, तब गांधी जी के कहने पर वर्ष 1934 में बाबा राघव दास के सहयोग से इस कार्य को गति मिली। सन 1937 में काका साहेब कालीलकर, दादा धर्माधिकारी, मोटोरी सत्यनारायण, श्रीमन नारायण आदि ने असम प्रांत का दौरा किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई इस महत् कार्य के प्रति आकृष्ट हुए। बरदलई जी ने 1938 में असम हिंदी प्रचार समिति का गठन कर हिंदी प्रचार को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान की। सन 1948 से पूर्व इस समिति की परीक्षाएं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा संचालित की जाती थी। बाद में अपनी स्वतंत्र पाठ्य पुस्तकें तैयार कर इसने अपनी परीक्षाओं का संचालन स्वतंत्र रूप से आरंभ कर दिया। सुरक्षा बलों की पूर्वांचल में उपस्थिति तथा स्थानीय लोगों की सुरक्षा बलों में नौकरी भी हिंदी प्रचार का महत्वपूर्ण घटक रहा है। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने पूर्वांचल के राज्यों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कई विद्यालय महाविद्यालय स्थापित किए। हिंदी प्रचारकों के सहयोग से लाखों विद्यार्थियों को हिंदी सिखाई। केंद्रीय, नवोदय एवं सैनिक विद्यालयों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
अब महाविद्यालयों में सभी राज्यों में हिंदी वैकल्पिक विषय है। अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं शोध की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त वहां हिंदी तर भाषियों ने हिंदी सीखकर मौलिक लेखन किया। हिंदी भाषियों ने असमिया सीखी। परस्पर अनुवाद कार्य, पत्रकारिता, व्यवसाय आदि के कारण पूर्वोत्तर भारत में हिंदी लगातार फली फूली। आइए अब जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रारंभिक प्रचार प्रसार का राज्यवार विवरण। असम में हिंदी की परंपरा बहुत पुरानी रही है। हिंदी के संबंध में सर्वप्रथम जिन पुरोधाओं का नाम उभरता है वे हैं श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव और फिर उनके अनुयायी। शंकरदेव माधवदेव के नाटकों और गीतों में ब्रजबुली भाषा का प्रयोग हुआ है। ये ब्रजबुली वस्तुतः मैथिली ब्रज असमिया का मिश्रित रूप है। राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1934 ईस्वी में गुवाहाटी में हिंदी प्रचार समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे श्री गोपीनाथ बरदलय तथा सचिव लक्ष्मीधर बराजी थे। बीच में काफी उतार चढ़ाव आए। कालांतर में अक्टूबर 1936 में हिंदी का श्री गणेश गुवाहाटी में श्री डीपी जोशी की सहायता से हुआ और पलटन बाजार नामक स्थान में हिंदी कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा। आवश्यकता को देखते हुए 3 नवंबर 1938 को असम हिंदी प्रचार समिति नाम की संस्था की नींव रखी गई। कालांतर में ये असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इस संस्था द्वारा अक्टूबर सन 1948 से प्रथमा, प्रवेशिका और विशारद तक की परीक्षाओं का संचालन किया गया। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी तर प्रदेशों एवं आदिवासी पहाड़ी जनता को दृष्टि में रखकर सन 1958 से एक और परिचय नाम की परीक्षा चलाई, जो प्रथमा से पूर्व ली जाती थी। असम में हिंदी प्रचार और शिक्षण का ये पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन गया है। स्वतंत्रता पूर्व मिजोरम अविभाजित असम का ही एक जिला मात्र था। सन 1972 से पूर्व मिजोरम के स्कूलों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था असम राज्य के नियमानुकूल ही थी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने वहां श्री वी एल ढाका को हिंदी प्रचारक नियुक्त किया। वे हिंदी के प्रचार के साथ साथ माध्यमिक स्कूल कोनपुई मिजोरम के हेडमास्टर भी थे। उन्होंने स्कूलों में हिंदी सिखाने का कार्य भी किया। सन 1955 ईस्वी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने आइजोल के हिंदी प्रचारक के रूप में श्री चित्र महंत को भेजा। सन 1956 के उपरांत असम समिति की परिचय, प्रथमा तथा प्रवेशिका परीक्षा में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। सन 1961 में लुडले दक्षिण मिजोरम में श्री एच पालहेरा ने हिंदी स्कूल की स्थापना की। आज भी ये स्कूल हिंदी का प्रचार प्रसार जोरों से कर रहा है। इस समय गैर सरकारी संगठन भी हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य में जुड़े हैं। इनमें जोरम हिंदी प्रचार सभा, विश्व व्यापक हिंदी संचार केंद्र, भारतीय भाषा एवं साहित्य संस्थान प्रेमचंद पीठ, आइजोल आदि है। इन गैर सरकारी संस्थाओं में परिचय परीक्षा यानी हिंदी मैट्रिक के समकक्ष तक के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। मिजोरम वासी हिंदी को खुले मन से स्वीकार कर इसकी समृद्धि में तो अपना सहयोग दे ही रहे हैं, साथ ही हिंदी के माध्यम से अपनी चतुर्दिक पहुंच भी बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में सन 1927-28 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने हिंदी प्रचार कार्य का शुभारंभ कर दिया था। गांधी जी की प्रेरणा से सन 1934 में मणिपुर राज्य के इम्फाल नगर में मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इम्फाल की स्थापना की गई। इसके बाद सन 1938 में युवा लाइब्रेरी कांचीपुर में राष्ट्रभाषा का परीक्षा केंद्र भी खोला गया। मणिपुर हिंदी प्रचार सभा इम्फाल की स्थापना 15 अप्रैल सन 1947 को स्वाधीनता की पूर्व बेला में हुई थी। यह सभा परिचय, प्रथमा और प्रवेशिका परीक्षाएं चलाती है। मणिपुर हिंदी परिषद की स्थापना सन 1953 में हुई। 62 वर्षों से परिषद हिंदी प्रचार कार्य निष्ठापूर्वक कर रही है। मणिपुर हिंदी परिषद 6 परीक्षाएं संचालित करती है, प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय, प्रबोध, विशारद, रत्न। परिषद का प्रचार विभाग
प्रामाणिक प्रचारकों, संबद्ध संस्थाओं एवं उनकी शाखाओं और स्थानीय हिंदी विद्यालयों की समितियों की सहायता से हिंदी का प्रचार करता है। मणिपुर हिंदी परिषद का सुव्यवस्थित पुस्तकालय है। ये जानना दिलचस्प है कि सन 1959 में इम्फाल की जेल में कैदी विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखने और परीक्षा देने के लिए एक केंद्र खोला गया था। असम के बाद मणिपुर में हिंदी का प्रचार प्रसार दूसरे नंबर पर है। नेफा सिक्किम उत्तर पूर्व सीमांचल संवैधानिक दृष्टि से 1971 ईस्वी तक असम प्रांत का ही अंग था। 1971 के पश्चात उसे केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। यहाँ स्वतंत्रता पूर्व हिंदी का प्रचार प्रसार न के बराबर था। इनके धार्मिक ग्रंथ तिब्बती लिपि में उपलब्ध हैं। भूटिया और लेप्चा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती हैं और पाठ्य पुस्तकें तिब्बती लिपि में प्रकाशित की जाती है। नेफा के आदिवासी छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए 1954 में व्यवस्था की गई। मापेरिटा में हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय की स्थापना की गई। प्रशिक्षित अध्यापकों ने नेफा के कोने कोने में राष्ट्रभाषा का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। अब यहाँ हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1971 तक नेफा में हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था असम राज्य के ही अनुसार चलती रही, परंतु अब सिक्किम में जनता हिंदी के माध्यम से संपूर्ण भारत से जुड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश को संवैधानिक दृष्टि से सन 1971 तक असम का ही एक भाग समझा जाता था। इस क्षेत्र की व्यवस्था भी असम राज्य के नियमानुसार ही संचालित होती थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि यहाँ के विद्यालयों में असम के अन्य अंचलों की तरह ही स्वाधीनता के उपरांत हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था हो पाई। सन 1954 में हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई ताकि इस क्षेत्र के आदिवासी छात्रों को व्यवस्थित रूप से हिंदी के प्रचार से और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। स्थानीय लोगों को हिंदी शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें हिंदी शिक्षण कार्य में लगाया गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने पासीघाट और हेनसांग में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में हिंदी को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अरुणाचल में स्थिति यह है कि विभिन्न भाषाभाषी परस्पर संपर्क हेतु हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार वहां निरंतर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता पूर्व नागालैंड में असमी एवं नागा भाषा से मिश्रित भाषा, जिसे नागा पिजिन या नागा मिस भी कहा जाता है, में बोलकर लोग अपना काम चला लेते थे। यहां तक कि नागालैंड की विधानसभा में अंग्रेजी ना जानने वाले सदस्य इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु वे नागा मिस के जरिए अपना संपर्क केवल सीमित दायरे असम तक ही बढ़ा सकते हैं। सन 1954 से चुचेमलोंग नागालैंड के गांधी आश्रम के प्रयासों से मासिक छात्रवृत्ति एवं निशुल्क हिंदी शिक्षण देने के लिए नागालैंड के 5-5, 6-6 विद्यार्थियों को वर्धा भेजा जाता था। लौटकर ये विद्यार्थी नागालैंड में हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे। केंद्रीय सरकार ने नागालैंड की सबसे बड़ी बस्ती दीमापुर में एक केंद्र खोला और लोगों को हिंदी में प्रशिक्षित किया। दीमापुर में बाजारू हिंदी खूब चलती है। दीमापुर एक बड़ी मंडी भी है। यहाँ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी निरंतर आगे बढ़ रही है। मेघालय पूर्णतः पहाड़ी राज्य है, जिसमें प्रमुख रूप से दो जनजातियां गारो और खासी है। सन 1954 में इसे अलग पर्वतीय प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 1968 में केंद्र सरकार ने असम राज्य के गारो और खासी जिलों को स्वायत्त राज्य बनाने का निर्णय घोषित किया। मेघालय में हिंदी को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक केंद्र खोलने की अनुमति दी। इस केंद्र में हिंदी शिक्षकों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है।
असम राज्य ने भी हिंदी प्रचारक के रूप में श्री चित्र महंत को शिलोंग में रहकर हिंदी का प्रचार प्रसार कार्य करने के लिए नियुक्त किया। वर्तमान में मेघालय के निवासी हिंदी से रूबरू हो गए हैं और बड़े चाव से हिंदी का प्रयोग करते हैं। त्रिपुरा में सन 1971 में पूर्व पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तथा पश्चिम पाकिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदी का प्रवेश हुआ। उस दौरान त्रिपुरा पहुंचे बंगाली हिंदू शरणार्थियों की रक्षा तथा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पहुंचे भारतीय सैनिकों के साथ भी हिंदी का प्रचार हुआ। व्यापार एवं अंतरप्रांतीय व्यवहार के कारण हिंदी को यहाँ की जनता ने अपनाया। अब यहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ रहा है। मित्रों, पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार में 70 से भी अधिक संस्थाएं कार्यरत हैं। क्या इस पर आप लोगों में से कोई प्रकाश डालना चाहेगा? जी, पूर्वोत्तर भारत में शताधिक ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अहर्निश कार्यरत हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय गुवाहाटी, लोहारघाट राष्ट्रभाषा हिंदी विद्यालय लोहारघाट, सुबनश्री सेवा समिति उत्तर लखीमपुर, असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जोरहाट, डॉ. काशीनाथ शर्मा राष्ट्रभाषा महाविद्यालय नलबाड़ी, हिंदी विद्यापीठ तेजपुर। इनके अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम यहाँ मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। जी जरूर। ये हैं असम गांधी स्मारक निधि कामरूप, बडनगर राष्ट्रभाषा विद्यालय बरपेटा, मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इम्फाल, अखिल मणिपुर हिंदी शिक्षक संघ इम्फाल, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति शिलोंग, हिंदी प्रसार मंडल शिलोंग, मिजोरम हिंदी प्रचार सभा आइजोल, अखिल नागालैंड हिंदी शिक्षक संघ कोहिमा। इनमें से अधिकांश संस्थाएं हिंदी के विविध पाठ्यक्रम चलाती हैं तथा शिक्षण सामग्री भी तैयार करती हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करके स्थानीय लोगों को हिंदी प्रचारक के पद पर नियुक्त करती हैं। ये प्रचारक शिक्षण के माध्यम से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर वृद्धि हो रही है। सभी राज्यों ने हिंदी के महत्व को जाना है। वहाँ की जनता ने हिंदी को अपनाकर अपना देश प्रेमी होना सिद्ध किया है और स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा है। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। असंख्य हिंदी प्रचारक और शिक्षक हिंदी के प्रचार और अध्यापन के इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में अपना समर्पित सहयोग दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में हिंदी प्रचारकों आदि के लिए एक विशेष परेशानी ये होती है कि वहां आवागमन की समुचित और सस्ती सुविधाएं नहीं है। हिंदी प्रचारकों को इन क्षेत्रों में पैदल ही आना जाना पड़ता है, जो न केवल समय साध्य है अपितु थकाने वाला भी है। फिर भी इसे अपना राष्ट्रीय दायित्व समझकर वे इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। हिंदी के प्रति ये निष्ठा शलाघनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे महजनों के कृत प्रयासों से हमारा मन श्रद्धा से भर उठता है। फिलहाल अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।